सीजीली रिश्ते क्या कहलाता है की कहानी में अब आपको एक साल का लीप देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको अभिमन्यु और अक्षर अलग देखने को मिलेंगे, जिसे देखकर बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल आ रहा है तो आखिर लीप के बाद की कहानी क्या होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी इस समय सीरियल की रिसेंट स्टोरी लाइन में देख ही रहे होंगे कि अनीसा की मौत के बाद पूरा बिरला फैमिली अक्षरा और अक्षरा की फैमिली को ही अनीसा की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं, और आप देख ही रहे होंगे कि कैसे महिमा हर बात पर अक्षरा को ताने मारती दिख रही है और अनीसा की सच्चाई को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि आपने देखा ही होगा कि कैसे बिरला फैमिली की तरफ से मनीष गोयंका को थप्पड़ मार दिया जाता है, और अब बिरला फैमिली ये चाहती है कि अक्षरा गोयंका फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ ले। और अब आपको सीरियल की कहानी में देखने को मिलने वाला है कि बिरला फैमिली के कहने पर अभिमन्यु को बिना बताए अक्षरा बिरला हाउस छोड़कर जाती नजर आने वाली है और बिरला फैमिली से दूर जाती दिखने वाली है, जहां दूर जाकर आपको अक्षरा एक बहुत बड़ी सिंगर बनती दिखने वाली है। वहीं आपको सीरियल में अभिमन्यु का किरदार काफी ज्यादा बदलता नजर आने वाला है। आप देखेंगे कि अभिमन्यु अक्षरा को भूलने के लिए नशे का सहारा लेता दिखने वाला है। आप सीरियल में लीप देखना चाहते थे या नहीं कमेंट में हमें जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और इसी तरह टीवी सीरियल ये रिश्ते क्या कहलाता है से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।